कर चुकी है और मॉल में आके शॉपिंग करती है मेरे मोबाइल से, और इस प्रकार में धोखाधड़ी की शिकायत प्राप्त हुई है और महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे और पूछताछ जारी है कि कहीं उसके द्वारा और भी कई घटनाएं। इस महिला को गौर से देख लीजिए, ये है शातिर ठगनी जो आपको भी लूट सकती है। खैर, ये किसी और को ठगी का शिकार बनाती इससे पहले ही पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। इस महिला के कांड सुनोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये है दिल्ली की ठगनी जो अब इंदौर में आकर ओला कैब के ड्राइवर से लेकर होटल संचालक को लूट चुकी है। ये शातिर महिला मोबाइल और पैसों पर ऐसे हाथ साफ करती है जैसे वो इस काम में माहिर हो, लेकिन ऐसा नहीं। मामला मध्य प्रदेश के इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां ओला कैब चलाने वाले फरियादी जावेद ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। एक महिला ने उसकी ओला बुक कराई थी, उसके बाद उसका मोबाइल फोन मांगा था और फिर वो मोबाइल लेकर फरार हो गई थी। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। जांच पड़ताल में पता चला कि महिलाएं होटल में रुकी हुई हैं और कई लोगों को अपना शिकार बना चुकी हैं। होटल संचालक के होटल का किराए से लेकर नीचे रेस्टोरेंट में खाना भी महिला फ्री में खाती थी और पैसे देने की बात पर बहाने बना देती थी। महिला ने ऐसे में कई लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। पूछताछ में महिला का नाम रुचिका निवासी दिल्ली रहना बताया है, जो बीकॉम की पढ़ाई कर चुकी है और दिल्ली से अपने एक दोस्त का मोबाइल फोन चुराकर इंदौर पहुंची थी। उसने इस दौरान टैक्सी ड्राइवरों के मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया था और उनके पेटीएम पासवर्ड जानकर शॉपिंग कर रही थी। फिलहाल पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उनके द्वारा शिकायत की गई थी, वो ओला कैब के ड्राइवर थे। उनका ये कहना था कि एक महिला है, मेरा मोबाइल लेके गई है मॉल में शॉपिंग करने के लिए। उसके बारे में जब हमारे द्वारा और पता लगा तो उसका मोबाइल भी ले गई और उसका पैसा भी यूज कर रही थी, उसका पेटीएम वगैरह। तो हमारे द्वारा एक धोखाधड़ी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। महिला आरोपिया की तलाश की गई, जिसमें हमें एक महिला आरोपी आज मिली कुशोलिया की। उसको पकड़ा, कैब ड्राइवर का मोबाइल उसे बरामद किया गया, बाकी अन्य मोबाइल भी उससे बरामद हुए थे। वो महिला दिल्ली की रहने वाली है, रुचिका नंदन। वो दिल्ली से कोई मोबाइल चोरी करके लाई थी, उसके द्वारा 3 दिन से यही होटल में रह रही थी। उसको आश्वासन के साथ में कि वो पैसा देगी, और ऐसा करके वो 3 कैब बुक कर चुकी है और मॉल में आके शॉपिंग करती है मेरे मोबाइल से, और इस प्रकार की धोखाधड़ी की शिकायत प्राप्त हुई है और महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे और पूछताछ जारी है कि कहीं उसके द्वारा और भी कई घटनाएं की गई हैं। इन्वेस्टिगेशन जारी है, महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इंदौर पुलिस दिल्ली पुलिस से भी संपर्क कर रही है ताकि महिला के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी पता चल सके और ये भी जाना जाए कि क्या उसके साथ कोई और लोग भी शामिल हैं या फिर वो अकेली इतने शातिराना ढंग से लूट को अंजाम देती थी। इंदौर से सचिन बेहरानी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।